जल जंगल जमीन या ग्रामीण भारत की वह आवश्यकता है जिससे ग्रामीण जनजीवन की रोजी रोटी जुड़ी होती है। जब वही रोजी रोटी कोई दूसरे व्यक्ति अपने फायदे के लिए उपयोग करके वहाँ के लोगों को बेगारी, बेरोजगारी और मजबूरी की व दलदल में ढकेल दे जिससे अपने हक को मांगने के लिए भूखा प्यासा रास्ते पर बैठना पड़े, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मामला कांकेर सीमावर्ती क्षेत्र मोहल्ला बालोद जिला में संचालित शारदा और गोदावरी माइंस में कार्य करने वाले मजदूर दो सप्ताह से ज्यादा क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे और इसके बावजूद गरीब मजदूरों की बात सुनने के लिए न तो माइंस प्रबंधक आई और न ही प्रशासनिक अधिकारी आए। इनको देखने सुनने वाला कोई नहीं। शारदा माइंस और गोदावरी से लगभग 50 से ज्यादा गांव प्रभावित है और यह 1500 से ज्यादा मजदूर कार्य करते हैं, पर माइंस प्रबंधक ने मजदूरों को कार में रखने के लिए शर्त रखी है कि वह किसी संगठन या किसी संघ में शामिल न होने की शर्त रखी है। इस मामले को जानने के लिए माइंस कंपनी में कॉन्टेक्ट भी किया गया पर कोई जवाब नहीं आया। वहीं संयुक्त खदान मजदूर संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि पुराने मजदूरों को काम में रखा जाए और यहाँ के ग्रामीणों को वह सभी सुविधाएं दी जाए जिसके वह हकदार है। यह माइंस पूरी 110 हेक्टेयर में फैली हुई है। यहाँ से रोजाना लाखों करोड़ों का लोहा अयस्क निकलता है और इस जंगल में पहाड़ियों की वास्तविक मालिकों यहाँ के स्थानीय निवासियों को मजदूरी के लिए तरसना पड़ रहा है। इसके बावजूद माइंस प्रबंधक की निरंकुशता यहाँ के भोले भाले वनवासियों के गाल में तमाशा है। यह मजदूरों की इस स्थिति को देखने पर या तो स्पष्ट हो गया कि यह इन ग्रामीणों की किस तरह से यह माइंस कंपनी खुलेआम शोषण कर रही है, पेशा कानून क्यों जरूरी हो गया है। तारीख से दिन शुक्रवार से इस जगह में बैठे हैं। इतना इस जगह के लिए हम ऐसे सोच रहे हैं कि इतना पढ़े लिखे आदमी बेरोजगार घूम रहे लापरवाही की तरह। यहाँ इतना खदान है दो, शारदा एवं गोदावरी दोनों इतना है कि इसमें हम जुड़ कर इसमें कुछ हासिल कर सकन कि यहाँ के मानसिकता सही बना कर एक के माना है लोग सही जानकारी के अनुसार यहाँ काम कर सकन। और इसी आज पार्टी यूनियन को यहाँ लागू किया भी जाए। ये गैर कानूनी जो चला रहा है यहाँ के क्षेत्रवासी को जनता को इधर उधर गुमराह करने कर रहे हैं, इसी से लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये उनके तक पहुँच जाना चाहिए, जो न समझ है उनको भी समझ आ जाए। नहीं, आपकी मुख्य मांग है उसको बैठा दें, उनको भी काम में लिया जाए और हमारी मांगे पूर्ण किया जाए। हमारी मांगे ये है। अब गांव के लोग यहाँ तो गांव लगभग करीबन गोदावरी माइंस एवं ये शारदा माइंस हमारे इस मोहला तहसील के और मानपुर तहसील के बीच में दो माइंस चल रहा है, जिसमें हम ये जो बैठे हैं मजदूर साथी लोग काम कर रहे थे, जिसे ठेकेदार के माध्यम में एक समिति गठित किया गया है जो वर्तमान में चला रहा है। उन्हीं के माध्यम से एक गलत रूप से हम लोगों को शपथ पत्र में साइन करने के लिए बोला और नहीं करने से काम से निकाल दिया गया है। और यही मांग को लेकर के हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं क्रमिक भूख हड़ताल लगा करके। तो यहाँ कितने ग्राम से प्रभावित हैं, मतलब यहाँ अभी जो बैठे हैं इसमें तो अब क्रमशः चल रहा है, बारी बारी से बैठ रहे हैं लोग। तो कम से कम में यहाँ सभी इस पहाड़ी क्षेत्र के आसपास गांव में इलाके 15-20 गांव के लोग हैं जो काम कर रहे थे पहले। अभी इसके पहले तो कौन कौन से जिला के हैं इसमें से है? बस्तर जिला मैंने कांकेर जिला से भी सम्मिलित हैं और इधर राजनांदगांव जिला से भी हैं और कुछ लोग दुल्की माइंस के क्षेत्र में जो आते हैं उनका जो हिस्सा उसके से भी, तो बालोद जिला वालों का भी लोग यहाँ उपस्थित है। क्या मांगे हैं आपकी बताइए? हमारी मांगे हैं कि पूर्व में जो बैठाए गए उन श्रमिकों को और भी वर्तमान में बैठाए गए श्रमिकों को पुनः काम में लिया जाए, यही हमारा मांग है। यानी तो मांग कर रहा है। तखानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।